मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। भारतीय संविधान में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन देख लिया किस तरीके से जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ठीक है, और कैसे न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार, क्या क्या पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पास में और उनका क्या एरिया है, किस एरिया में वो सुनवाई कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी कि पावर्स और जो है उसके क्षेत्राधिकार के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ब्रीफ में देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो दो क्लासेज में ख़त्म होगा, तो आज हम लोग प्रारंभिक अधिकारिता के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ में थोड़ा सा मैं इस पर ब्रीफ में बताऊँगा कि कौन कौन से पावर्स हैं, क्या क्या इसके अधिकार हैं, और उसके बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रारंभिक अधिकारिता, यानी जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, तो इस पर भी अध्ययन करेंगे। तो पावर्स की अगर बात करें तो अभी तक पढ़ते चले आए हैं उनमें से निकाल सकते हो, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है ना, सुप्रीम कोर्ट किसकी व्याख्या करता है, संविधान की व्याख्या करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, समय समय पर व्याख्या करके बताता रहता है कि संविधान में ये अनुच्छेद इस तरीके से लिखा गया है तो इसका यह मतलब है, तो वो व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, संविधान के पास, वो सुप्रीम कोर्ट के पास में है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे ना, तो मौलिक अधिकार में ये देखा था कि किस तरीके से जो है मौलिक अधिकार से जो है नागरिकों को जो है सुरक्षित सुरक्षा प्रदान की गई है, अर्थात मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट। और इसके अलावा ये सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, क्योंकि सर्वोच्च है, ये क्या है, सुप्रीम है, इससे आगे कहीं आप अपील नहीं कर सकते हो, अपील मतलब अपने केस की आगे जो है सुनवाई करने के लिए, जब हम किसी एक छोटे न्यायालय में हार जाते हैं तो उसकी अपील दूसरे न्यायालय में करते हैं, अगर मान लो हम जो है शुरू करते हैं कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय से या मुंसिप न्यायालय से, मान लो तहसील स्तर पे, सदर स्तर पे, वो परगना स्तर पे, वहाँ से मुकदमा हारे तो कहाँ जाएंगे, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, और जिला और सत्र न्यायालय से अगर हार गए तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से भी अगर हार जाते हैं तो आखिरी हमारा अपीलीय न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, इससे बड़ा देश में कोई भी अपीलीय न्यायालय नहीं है, सबसे बड़ा और सबसे आखिरी। इसमें जो है तीनों चीज़ों की, इसमें एक तो संविधान, संवैधानिक मामले अगर कोई है अनुच्छेद 132 के अंतर्गत, संवैधानिक मामले, कैसे मामले, संवैधानिक मामले, इससे संबंधित अपील किया जा सकता है, संवैधानिक मामले अर्थात संविधान का कहीं अगर उल्लंघन हो रहा है किसी जो है उस पर, मान लो सरकार ही कोई ऐसा कार्य कर रही है उससे क्या हो रहा है, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे अपील कहाँ किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 132 के अंतर्गत। या किसी का जो है सिविल का मामला है, दीवानी का मामला है, दीवानी का मामला वो जो है जिला न्यायालय से हार गया, हाई कोर्ट से हार गया, तो आखिरी अपील कहाँ करेगा वो, सुप्रीम कोर्ट में, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेगा, 133 के अंतर्गत करेगा, मतलब दीवानी मामले। और दीवानी मामला समझते हो क्या है, मतलब मर्डर हत्या इनसे संबंधित चोरी चकारी से छोड़ करके बाकी जितने भी मामले आते हैं वो सब किस में आते हैं, दीवानी में आते हैं, चोरी हो गई ये सब मामले किस में आते हैं, दीवानी सिविल के मामले में आते हैं, ठीक। और इसके अलावा आपराधिक मामले जो हम लोग सत्र न्यायालय में पढ़ते थे, सत्र न्यायाधीश जो देखता था फौजदारी मामले देखता था, ठीक है, जो है जिला न्यायाधीश क्या देखता है, सिविल मामले देखता है, बोल गए ना, मैंने बताया था जब हायरार्की बनाया था तो उसमें बताया था जिला एवं सत्र न्यायालय, हर जिले में एक जिला एवं सत्र न्यायालय होगा, जब वही वकील वही जो है जज जिला न्यायालय देखेगा, मतलब दीवानी के मामले देखेगा तो क्या कहलाएगा, जिला न्यायाधीश, जब वो दीवानी के मामले देखेगा तो क्या कहलाएगा, जिला न्यायाधीश, और जब फौजदारी मामले देखेगा तो क्या कहलाएगा, सत्र न्यायाधीश कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो सत्र न्यायाधीश में हार गया मान ले तो हाईकोर्ट जाएगा,
और हाईकोर्ट में भी हार गया तो वो 134 आर्टिकल के अंतर्गत कहाँ जाएगा, वो सुप्रीम, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकता है, डायरेक्ट वो नहीं जा सकता है, पहले एक कड़ी है उस कड़ी के तहत वो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपराधिक मामले सीधे उठा करके कहाँ ठोक दिए, सुप्रीम कोर्ट में, तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, उसके लिए प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत जाएगा। तो ये इसके क्या है, पावर्स है सुप्रीम कोर्ट में, ये कुछ पावर्स है। इसके अलावा अपने निर्णय का वो पुनर्विलोकन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने, मान लो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने कोई निर्णय दिया और उस निर्णय में जो है उस मतलब किसी पक्ष को लगता है कि जो है फैसला सही नहीं आया है, या न्यायालय को स्वयं लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि इस पर रिव्यू होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए, तो अब उससे ऊपर तो कहीं उसके खिलाफ जा नहीं सकते हैं। हाई कोर्ट में अगर मतलब मुकदमा हारा तो सुप्रीम कोर्ट तो चला जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्णय दे दिया तो वही क्या होगा, मान्य होगा, उसके खिलाफ कहीं पर भी आप मुकदमा नहीं कर सकते हो कि हम यहाँ मुकदमा हार के जो निर्णय सुना दिया है। तो उसका रास्ता क्या बचता है कि सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जो है, सुप्रीम कोर्ट दोबारा अपने निर्णय पर सुनवाई कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, दोबारा अपने जो फैसला दिया है उस फैसले पर दोबारा सुनवाई करेगा। तो अपने निर्णय पर वो क्या करता है, पुनर्विलोकन करता है, रिव्यू करता है और दोबारा से फैसला सुनाया जाएगा, ठीक है। तो इसको ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है पुनर्विलोकन का, अपने निर्णय का, और न्यायिक पुनर्विलोकन का ये पावर सुप्रीम कोर्ट को है। आराम से पोतो भाई, चैन का बजाय रहे। और न्यायिक पुनर्विलोकन का जो पावर किसके पास है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब जैसे कोई कानून बनाया गया और उस कानून कोई लगता है कि वो मूल ढांचे का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो उसका भी रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसको रिव्यू करके क्या कर सकता है, वो नल एंड वाइड कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। ऐसा कई केसेस में देखा है, जैसा कि 99 संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, कौन सा था 99, NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, अभी पढ़ाया था पिछले क्लास में, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है नेशनल ज्यूडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बना था, ठीक है। तो उसको पूरा क्या करते हैं, रिव्यू करके, न्यायिक रिव्यू था वो, इसी के अंतर्गत आया था। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि किसी भी न्यायिक मामलों को पुनर्विलोकन करके रिव्यू कर, मतलब रिव्यू कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि खत्म ही कर दे, रिव्यू कर सकता है और जरूरत पड़ेगी तो उस पर जो है उसको खत्म भी किया सकता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो है अधिकार भी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसके अलावा सलाहकारी अधिकारिता है, हमने बताया था राष्ट्रपति जो है सलाह लेने जाता है न्याय के मामले पर, मतलब विधि के मामले पर, कानून के मामले में राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है, कानून के मामले पर किससे लेता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, कौन लेता है, राष्ट्रपति, ठीक। और कौन से अनुच्छेद का जो है इस्तेमाल करता है, अनुच्छेद 123 में क्या है, 123 पढ़ाया था मैंने, क्या है राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश, 123 में क्या है, अध्यादेश, जब जो सत्र ना चल रहा हो, सत्र की बैठ के ना चल रही हो और कोई कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति क्या लेकर आता है, अध्यादेश। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 123, सब भूलते जाते हो पीछे का, रिवाइज इसलिए कहता हूँ करते रहो। और 143 में क्या है, राष्ट्रपति जो है सलाह लेगा कानून के मामले में, विधि के मामले में राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा, सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का तो पावर है राष्ट्रपति के पास में अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन उस अधिक जो है सलाह को राष्ट्रपति माने या ना माने ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। तो सलाहकारी अधिकारिता किसके पास में है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास में। और एक अभिलेखीय न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय का मतलब इसके जो न्यायालय है, जो इसके जो मतलब जजमेंट है, जो न्यायालय का जो जजमेंट आता है उसको लिखा जाता है बाकायदा, और लिख करके नजीर के रूप में छोटे न्यायालय जो उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट उसका अधीनस्थ न्यायालय हो गया, जिला एवं सत्र न्यायालय उसका अधीनस्थ न्यायालय हो गया, जब कोई उससे संबंधित कोई मसला आता है, जैसे मान लो कोई दीवानी का मामला है, टैक्स से संबंधित कोई मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या दिया है फैसला, तो उसको ऑन रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको क्या अभिलेख बना करके लिखा जाता है, मतलब रखा जाता है, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, तो उसको रिकॉर्ड करके उस फैसले को सुरक्षित रख दिया जाता है और न्यायालयों में भेज दिया जाता है, अधीनस्थ न्यायालयों में। और जब अधीनस्थ न्यायालय उससे संबंधित फैसला सुनाते हैं तो वो उसको पढ़ते हैं, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है इस मामले पे ऐसा फैसला सुनाया था,
तो हम भी इस तरीके का फैसला यहाँ सुना सकते हैं। तो एक नज़ीर होता है, क्या बन जाता है? नज़ीर। सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले हैं वो सब क्या बन जाते हैं? नज़ीर बन जाते हैं अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। तो इसको कहते हैं अभिलेखीय न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय भी है। क्या है? अभिलेख न्यायालय भी है, यानी उसके द्वारा दिए गए फैसलों को जो है नीचे के अधीनस्थ न्यायालयों को जो है एक नज़ीर के रूप में उनके सामने रखा जाता है। ठीक। तो और सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है? इसके पास प्रारंभिक अधिकारिता है। इसके पास क्या है? प्रारंभिक अधिकारिता है, अर्थात इस प्रकार के अधिकार और न्यायालयों के पास नहीं है। तो इसको बोलते हैं प्रारंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। इसमें देखेंगे दो प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक अधिकारिता जो है कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है, और कुछ खाली जो है सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। तो इसके आधार पे प्रारंभिक अधिकारिता को दो भागों में बांटा गया है। एक है आत्यांतिक प्रारंभिक अधिकारिता। क्या? आत्यांतिक। आत्यांतिक मतलब एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जिसका जिसके बारे में निर्णय सिर्फ क्या ले कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। ऐसे अधिकार, ऐसे मामले जिस पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट के पास में है। अब इसमें आप विचार कर सकते हो ऐसे क्या मामले हो सकते हैं जिसका जो है हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं की जा सकती है। राज्यों से संबंधित मामला अगर होगा, राज्यों से संबंधित, राज्य तो तमाम है और सभी राज्यों के पास लगभग क्या है? हाई कोर्ट है। और एक राज्य से दूसरे राज्य या भारत सरकार या राज्य के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उसे हाई कोर्ट नहीं देखेगा, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। तो ऐसे तीन केसेस बनते हैं। ऐसे कितने केसेस बनते हैं? तीन केसेस बनते हैं जो जिसका मतलब पूरे पूरे आत्यांतिक अधिकारिता प्रारंभिक अधिकारिता किसके पास में? सुप्रीम कोर्ट के पास में है। जैसे भारत सरकार एक तरफ हो गया, कोई ऐसा केस आया जिसमें भारत सरकार बनाम राज्य सरकारों के बीच कोई झगड़ा फंस गया, कोई विवाद फंस गया, तो ऐसे मामले कहाँ सुने जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। यानी भारत सरकार कह रही है कि यहाँ जो है किसी राज्य में, मान लो मतलब बिहार के राज्य में, बिहार में दूसरे पार्टी की सरकार है और केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार है, और केंद्र सरकार चाहती है कि बिहार में विकास के लिए हम एक रोड बनाएंगे बढ़िया सा, ठीक है, चौड़ी रोड बनाएंगे, उसके लिए क्या चाहिए? जमीन। और राज्य सरकार कहे कि हम जमीन नहीं देंगे, जमीन हम नहीं देंगे, तो विवाद खड़ा हो गया कि नहीं खड़ा हो गया? तो ऐसे विवाद को लेकर के अब जो है सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, ना कि वहाँ के हाई कोर्ट नहीं जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। तो भारत सरकार बनाम राज्य या एक राज्य से अधिक राज्य मिल जाए, जैसे उस रोड को बनाना है बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और इस तरीके से मध्य प्रदेश तक, और उसमें मान लो उत्तर प्रदेश तैयार हो गया कि ठीक है हम दे देंगे, बिहार नहीं तैयार हो रहा है, मध्य प्रदेश नहीं तैयार हो रहा है कि हम जमीन देंगे अपने यहाँ, तो फिर भारत सरकार जो है इसके खिलाफ क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वहां पर रिट करेगी। तो ये क्या कहलाएगा? भारत सरकार बनाम राज्यों का मामला। भारत सरकार बनाम या एक राज्य का मामला हो सकता है या एक से अधिक राज्य का मामला हो सकता है। तो ऐसे सुनवाई का अधिकार सिर्फ किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक। तो इसको बोलते हैं आत्यांतिक प्रारंभिक अधिकारिता, एब्सोल्यूट। इसके मतलब सिर्फ किसी किसको प्राप्त है जो है अधिकार? सुप्रीम कोर्ट को। इस ये क्षेत्राधिकार, सिर्फ ये अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। या फिर भारत सरकार के साथ कुछ राज्य मिल जाए, जैसे कुछ राज्य तैयार हो गए, जैसे मैंने बताया उत्तर प्रदेश तैयार हो गया जमीन देने के लिए, और बिहार और मान लो मध्य प्रदेश नहीं तैयार हुए, तो एक तरफ उत्तर प्रदेश और भारत सरकार हो गए और दूसरी तरफ क्या हो गए? बिहार और मध्य प्रदेश हो गए। तो इनके बीच विवाद फंस गया, तो इनके बीच जब विवाद फंस गया तो ये भी मामला कहाँ पहुँचेगा? सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगा। तो ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगा, हाई कोर्ट नहीं पहुँचेगा, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगा। या फिर दो राज्य या दो से अधिक राज्य लड़ गए आपस में, इधर उत्तर प्रदेश और जो है बिहार एक तरफ हो गया, या उत्तर प्रदेश अकेला हो गया और पंजाब और हरियाणा और राजस्थान ये सब एक तरफ हो गए, इनमें कोई मान लो कोई विवाद हो गया किसी चीज़ को लेकर के, किसी मैटर पे हो सकता है, तो किसी मैटर पे विवाद हो गया, तो अब ये कई राज्यों का इसमें मैटर है, तो हाई कोर्ट तो जाया नहीं जाएगा, तो फिर कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि ये एक सीमा के अंतर्गत विवाद नहीं हो रहा है ना, ये राज्यों के विवाद एक सीमा के अंतर्गत नहीं हो रहे हैं, कई राज्यों के अंतर्गत हो रहे हैं, तो सिर्फ मसला क्या बचता है? फिर दिल्ली ही बचता है, तो दिल्ली ही पहुंचा जाएगा, और दिल्ली में क्या है हमारा? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो इसका जो है इसमें कई राज्य आ रहे हैं, ये एक तरफ हो गए और भारत सरकार यानी दिल्ली एक तरफ हो गया, तो अब इनका मान लो जैसे आंध्र प्रदेश में जो न्यायालय है, आंध्र प्रदेश का न्यायालय वहाँ नहीं सुना जाएगा, महाराष्ट्र के न्यायालय में नहीं होगी सुनवाई,
उसकी सुनवाई कहाँ होगी? दिल्ली में, जहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, यानी हाई कोर्ट में नहीं सुप्रीम, क्योंकि क्षेत्राधिकार भारत, पूरा भारत हो गया, पूरा भारत एक तरफ हो गया, यानी भारत सरकार एक तरफ हो गई और अन्य राज्यों की सरकारें एक तरफ हो गई, तो इनके जो है न्याय के अधिकार क्षेत्र सिर्फ कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो ये तीन ऐसे केसेस बनते हैं, यानी राज्य राज्य एक तरफ हो जाए, कई राज्य आपस में लड़ भिड़ जाए, तो इनके भी मामले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं, तो इसको बोलते हैं आत्यंतिक प्रारंभिक अधिकारता, एब्सोल्यूट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एब्सोल्यूट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। अब इसमें मान लो कोई देश का नागरिक है, भारत सरकार के खिलाफ जो है मुकदमा कर देता है, भारत सरकार कोई ऐसा काम कर रही, कोई ऐसा कानून लेकर आई है, और जैसे कृषि कानून था, ठीक है, तो ऐसे मामलों को लेकर के जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाएगा, बल्कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हाई कोर्ट में ऐसे मुकदमे लेकर जाए जा सकते हैं। तो ऐसे मामले जो है, अब चूंकि नागरिक परेशान ना हो, मान लो नागरिक कहाँ का है, नागरिक जो है केरल का है, और भारत सरकार के खिलाफ क्या करना चाहता है, वो मुकदमा दायर करना चाहता है। अब अगर उसे कहाँ, अगर इसमें लिखा होता संविधान में कि भारत सरकार के खिलाफ उसे मुकदमा करना है, और पावर सिर्फ ऐसे मुकदमों की सुनवाई का किसके पास में है, सुप्रीम कोर्ट को अगर है, तो बेचारा केरल से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जाने में तो जो है परेशान हो जाएगा, तो मुकदमा वहाँ लिखाने जाएगा ही नहीं, फिर कहेगा बाहर में जाने दो सरकार जो कर रही है, क्योंकि मतलब सरकार ऐसे कई कानून बनाती है जो पब्लिक के लिए नुकसानदेह हो सकती है या परेशान वाला हो सकता है, तो कोई एक समझदार व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह हो सकता है जो सरकार के खिलाफ मुकदमा कर सकता है, तो वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, किसी भी राज्य का हो सकता है नागरिक, एक राज्य से अधिक राज्यों के नागरिक हो सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में उनके लिए जरूरी नहीं कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही मुकदमा दायर करें, वो अपने राज्य के हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। बहुत ही सोच समझ करके संविधान बनाया गया है। तो अगर सरकार, अब सरकार मान लो दोनों प्रकार की सरकार हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है और केंद्र सरकार भी हो सकती है, ठीक, तो केंद्र सरकार के मामले में भी जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट को तो है ही पावर, लेकिन जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जाए, वो अपने राज्य के जो है हाई कोर्ट में भी लेकर जा सकता है। लेकिन इन तीन मामलों में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही, यानी सरकार वर्सेस सरकार, सरकार वर्सेस सरकार, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, या राज्य सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसे मामले, अब भाई सरकार का पैसा खर्च होगा, सरकार के आदमी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो केरल सरकार वर्सेस दिल्ली सरकार चल रही, या केरल सरकार वर्सेस भारत सरकार के बीच मामला हो रहा है, तो जाए भारत सरकार, वो केरल सरकार अपने जो है सरकारी वकील को भेजेगा वहाँ मुकदमा लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन एक प्राइवेट व्यक्ति नहीं भेज सकता है ना। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने ये ध्यान रखा था, इसलिए इसको बाहर रखा है, सरकार वर्सेस अगर नागरिक का कोई मामला आता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट मतलब नहीं जाना होगा, ठीक। तो इसे कहते हैं आत्यंतिक प्रारंभिक अधिकार, और एक है समवर्ती प्रारंभिक अधिकार। समवर्ती मतलब समान शक्तियां जो है, किसी दो के बीच में अगर समान शक्तियां हैं तो उसको कहते हैं समवर्ती। तो ऐसे कौन से मामले हो सकते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को सुनवाई करने का समान अधिकार प्राप्त है, कोई बताया भैया, हम पढ़ा चुके हैं पीछे, ऐसे कौन से मामले हो सकते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को समान अधिकार प्राप्त है उस पर सुनवाई करने का। एक चैप्टर मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया था जिसमें छह प्रकार के क्या हैं, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स में मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स के हनन पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत व्यक्ति कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट। तो जो समवर्ती प्रारंभिक अधिकार है इसमें क्या आता है, मूल अधिकार आता है। इसमें क्या आता है, मूल अधिकारों की रक्षा, मूल अधिकारों की रक्षा। तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, चाहे आप हाई कोर्ट जाओ, ठीक है। हाई सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो अनुच्छेद 32 का सहारा लोगे, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत जाया जाएगा, 32, और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जाया जाएगा, 226। तो इस तरीके से अब इसमें मैंने बताया था कि दोनों न्यायालयों को पांच प्रकार के क्या जारी करने के, रिटें, पांच प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है दोनों न्यायालयों को। रिटें कौन कौन सी होती है पांच प्रकार की, नंबर एक बताओ, कोई बताओ,
बंदी प्रत्यक्षीकरण, बिल्कुल सही। हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी को प्रत्यक्ष लेकर आओ, बंदी को प्रत्यक्ष लेकर आओ। दूसरा क्या है बताओ? परमादेश, मैंडमस, यानी हम आदेश देते हैं, परम आदेश देते हैं। तीसरा क्या था? अधिकार, अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आपने ये कार्य किया? सब याद आ रहा है कुछ नहीं? अधिकार परीक्षा मतलब मान लो नर्स ने, कितना अच्छा उदाहरण दिया था, नर्स ने जो है किसी का इलाज कर दिया और वो जो है चल बसा, तो नर्स तो डॉक्टर है नहीं, नर्स तो डॉक्टर है नहीं, और नर्स ने इंजेक्शन ठोक दिया और मरीज चला गया ऊपर, तो फिर वो जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत, और वहाँ से अधिकार परीक्षा वाला रिट जारी करवा सकता है व्यक्ति कि इस नर्स ने किस अधिकार से जो है ये दायित्व किया, डॉक्टर वाला दायित्व किया, जबकि इसके पास में डॉक्टर की, डॉक्टरी की पढ़ाई की डिग्री नहीं है। तो ये सब पढ़ाया था मैंने, इसको क्या बोलते हैं? अधिकार परीक्षा। और चौथा क्या है? उत्प्रेषण, उत्प्रेक्षण, उत्प्रेषण बोलते हैं, उत्प्रेषाटियोरेरी, उत्प्रेषण। और ये क्या है? हाँ, प्रतिषेध। ये क्या है? प्रतिषेध। तो ये पांच प्रकार के क्या है जो है रिटे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करती हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करते हैं। ये पांच प्रकार की क्या है? रिट है। अनुच्छेद 32 जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जारी करता है। तो ये रिटों के बारे में पता होना चाहिए, ये प्रश्न बहुत आते हैं और ये सब प्रश्न यहाँ से आते हैं मिलान करने के लिए, तो इनके एक एक परिभाषा याद होना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है, एक एक थोड़ा थोड़ा सेंटेंस का अंतर होता है, और अधिकार परीक्षा क्या होता है, उत्प्रेषण क्या होता है, प्रतिषेध क्या होता है, तो ये सब पता होना चाहिए। तो ये रिट जो है किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित है। यह किसके अंतर्गत आता है? प्रारंभिक अधिकारता के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक अधिकारता के अंतर्गत आता है, और हाई कोर्ट के भी प्रारंभिक अधिकारता के अंतर्गत आता है। क्या? समवर्ती प्रारंभिक अधिकारता, क्योंकि दोनों को प्राप्त है, लेकिन आत्यंतिक प्रारंभिक अधिकारता ये सुप्रीम कोर्ट के ही प्राप्त है, हाई कोर्ट को नहीं प्राप्त है। तो इस तरीके से यहाँ से ये प्रारंभिक अधिकारता यानी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में हम लोग देखें, ठीक। तो ये इसके क्या है, कुछ सर्वोच्च न्यायालय की जो है शक्तियाँ हैं और क्षेत्राधिकार हैं। अब हम लोग आगे की जो है उसमें ये सारा जैसे निर्णय का पुनर्वलोकन, न्यायिक पुनर्वलोकन, ठीक है, सलाहकारी अधिकारता, अभिलेखीय न्यायालय, इस पर डिटेल में अध्ययन करेंगे एक क्लास में। ये सारा चीज़ एक क्लास में हो जाएगा, तो इसको पूरा हम लोग समेटेंगे एक क्लास में, क्योंकि कई टॉपिक है, तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं, ठीक, कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सलाहकारी अधिकारिता है, न्यायिक पुनर्वलोकन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, और इसमें क्या क्या केसेस अभी तक हुए हैं, सारे केसेस का अध्ययन करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा। तो इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में दो अधिकार होते हैं, कौन कौन से? आत्यंतिक और समवर्ती। आत्यंतिक में राज्यों के मामले आते हैं, तो ध्यान रखना, राज्यों के, भारत सरकार बनाम अन्य राज्य। अब उसमें भारत सरकार के साथ कोई राज्य हो सकता है, सिर्फ भारत सरकार हो सकती है, और राज्य राज्य हो सकते हैं, तीन ही कंडीशन तो बनेंगे। तो तीन कंडीशन जो है वो बनती है आत्यंतिक प्रारंभिक अधिकारता के मामले में, ठीक।